हाँ क्या? अच्छा क्या खा रहे हो? चॉकलेट खा रहे हो? चौको अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? पूरा बैग दे दिया उन्होंने? बैग खाली कर दिया। अच्छा ये आए हैं पिज़्ज़ा और ये डोमिनोज वाले ने पूरा ही बैग दे दिया है कि आप बैग खाली करके दे दो। अच्छा इसमें सारे हमारे ही होंगे ना? सो माय गॉड कितने गरम गरम है। शनु को देखो, बच्चों को देखो। हाँ बेटू कितने सारे हैं। ये गार्लिक ब्रेड मम्मा के लिए? नहीं नहीं फिर। अच्छा भैया हैं घर में? भैया हैं घर में? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो जी बढ़िया है। नो 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 नो, डोंट टच डोंट टच डोंट टच। तो बस आज हम लोगों की दिवाली पार्टी है और हम लोग सब इंजॉय करने वाले हैं। हाँ पटाखे भी फोड़ेंगे, ये फुल फुल इंजॉय फुल इंजॉय। तो बस आज हम लोगों ने यही सब मंगा लिया। ये मिनास की तरफ से हम लोग की पार्टी चल रही है, तो बस ये सब खाते हैं। अभी अप्पी भी आने वाली है और फिर। तो बस जी यहाँ पर सारे ही बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और इन सबको देख के शोनू को देखो आप, शोनू के मतलब चेहरे की खुशी। शोनू को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्यों नाच रहे, लेकिन शोनू नाच रही हैं, खुश हो रही हैं। तो बस यहाँ पर अब हम लोग अपनी कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी, तो आप लोग भी आ जाइए, शामिल हो जाइए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बच्चों के लिए मैंने आज पता नहीं कौन सा पनीर मक्खनी पिज़्ज़ा इस टाइप से मंगाया था, क्योंकि बच्चों को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे। और ये जो वेजिटेबल्स है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग पता है क्या करते हैं, आप लोगों ने मेरे एक व्लॉग में भी देखा होगा, एक बार इनके पापा भी लाए थे क्योंकि लिब्बा का बड़ा मन था पिज़्ज़ा खाऊंगी पिज़्ज़ा खाऊंगी, तो इन लोगों ने ना ये सारी वेजिटेबल्स उतार के रख दी थी और खाली ब्रेड ब्रेड खा रहे थे। तो मैंने मिनाज को बोल दिया था, मैंने कहा ये लोग तो मतलब पिज़्ज़ा इस तरह से खाते ही नहीं है। तो फिर ये मिनाज ने अपना दिमाग लगा के ये मंगाया, तो ये बच्चों ने बहुत ही आराम से और मज़े से खाया था, पनीर भी खाया था। और यहाँ पर आ गया अप्पी, तो बस यहाँ पर अप्पी का भी पिज़्ज़ा आया हुआ है। तो सब लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं, वो मज़े कर रहे हैं। और भैया मायके की यही चीज़ें होती हैं जो याद आती हैं। ससुरालों में चले जाओ तो बस ऐसा लगता है ये बहनों के साथ थे, हाय इतने मज़े करते थे, हाय ऐसा ऐसा करते थे, हाय वैसा वैसा करते थे। तो मतलब मैं जब मायके में आती हूँ ना, तो मेरे साथ साथ जो मुझे प्यार करते हैं सब्सक्राइबर, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने मायके में आ गए हैं, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आपको थोड़ा सा कमरा भरा भरा ऐसा लगता है ना, एक्चुअली हम सारे ना यहीं पर शिफ्ट हैं अभी। आप लोगों को पता ही कमरे का कि इस बार मामा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मामा उस कमरे में, तो इस बार मैं भी इसी कमरे में शिफ्ट हूँ। तो वो सब ना हमारा सामान ही रखा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को भरा भरा सा लगता होगा। तो खैर बहरहाल अब यहाँ पर हम लोग सारे नीचे आ चुके हैं और हम लोग ना पटाखे जला रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को इतना मन, क्योंकि सभी लोग चला रहे पटाखे, तो बच्चे इतना ज़्यादा कर रहे थे कि हमें भी पटाखे चाहिए, हमें भी पटाखे चाहिए। तो खैर फिर इन लोगों ने अपने नानू से लिए पैसे, और मतलब खैर पैसे तो हमने ही लिए, और फिर इन लोगों को ला के दिए पटाखे। तो बस यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा बच्चों का जो मतलब बच्चे क्या, मुझे बड़े सेफ्टी वाले बॉम्ब लगते हैं ये वाले, कौन से होते हैं पॉप ऑफ, बस इन्हें ज़मीन पे मारो और ये फूट जाते हैं। इसके अलावा कोई भी बॉम्ब पटाखा मुझे तो लगता है डर, हालांकि आयरा ने ज़िद करी थी बीड़ी बम जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग हंस रहे होंगे, हाँ एक नाम होता है बम का बीड़ी बम, तो वो भी आयरा लाई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मतलब जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पर इतने, एक तो बॉम्ब इतने ज़्यादा महंगे, ठीक है चलो महंगे तो जो हैं हैं, बट क्वालिटी तो अच्छी, तो क्वालिटी इतनी घटिया इतनी घटिया, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब 50-50 रुपए की एक चरखरी, चरखरी आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ। मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मतलब दूसरे देशों से भी हमें देखते हैं, तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती। तो चरखरी वो होती है जो नीचे ऐसे घुमाते हैं ना, वो जलती है, अभी अनु चलाएगी आप सब देखना। तो यहाँ पर अनु मैंने उसको भी बड़ा शौक चढ़ा था ये पॉपअप बम फोड़ने का, तो बस ये इस तरह से ज़मीन पर मार मार के, मतलब सब अपने लिए लाए, मुझे तो खैर ऐसा कोई ख़ास शौक नहीं है, तो मैंने तो नहीं फोड़े, तो ये बस बच्चों ने फोड़े हैं और ये अनु मिनाज ने फोड़े हैं। तो बस ये देखो आयजा ने तो एक ही साथ सारे, ये देखो सारे नीचे गिरा दिए और फटाफट फटाफट उसके भी फूटते चले गए। अच्छा इसमें ना बच्चों के जलने वलने का कोई ऐसा खतरा नहीं होता, तो ये सेफ होते हैं। बाकी जो जिस तरह के बम्स होते हैं ना, उनमें तो ऐसा लगता है, मैं खुद भी बच्चों को नहीं चाहती कि वो बच्चे जलाएँ, क्योंकि बच्चे जल जाएँ कुछ हो जाए तो भैया बड़ा डर लगता है। ये देखो मिनाज इतनी बड़ी है और कैसे डर के डरपोक की तरह ये इस तरह से बम फोड़ रही है। तो बस यहाँ पर ये लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, आप भी आते जाते देख रही हैं सब बच्चों को। और चरखरी क्या होती है, मैं आपको दिखा रही थी ना, तो ये होती है चरखरी जो अनु चला रही है, ये पता है 50 रुपये की चरखरी है गाइज, और देखना ये किस तरह से चलेगी, ये बस चलेगी और बुझ जाएगी,
और ऐसे ही नहीं, जितनी भी अनु लाई थी सारी ऐसी थी, तो मतलब इतना ज़्यादा लूट मची हुई है ना ये देखो, वरना ये इतनी देर तक जलती रहती है, इतनी देर तक कुछ नहीं तो ये एक मिनट पूरा घूमती है और ये बस जलाई, बच्चे कूद भी नहीं पाए इस पर ना कूदते, तो इसमें ये जो मतलब चिंगारियाँ निकलती हैं ये हालांकि लगती हैं पैरों में लेकिन जल्दी जल्दी हम कूदेंगे ना, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब हम भी बचपन में इस तरह से करते थे, तो हम बच्चों से भी कह रहे थे, लेकिन वो चरकरी इतनी मतलब फुस्सी थी कि वो जैसी जलाए वैसी बुझ जाए, जैसे जलाए, तो इन सब चीज़ों में मज़ा ही आ रहा था। खैर बहरहाल जो हो रहा था अच्छा ही हो रहा था, लेकिन अभी वो जो मैं बोल रही थी ना बीड़ी बम, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो भी जला जला के पागल हुए जा रहे थे और वो भी नहीं जल पा रहे थे, तो इतनी हंसी भी आ रही थी और थोड़ा थोड़ा मन मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था। तो खैर यहाँ पर सब लोग मतलब अपना लगे पड़े हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, और बच्चे भी मतलब बच्चों को तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और हाँ मैं अपने व्यूवर्स को जो लोग मुझे देखते हैं तो मैं उन लोगों को हैप्पी दिवाली कहना ही भूल गई, क्योंकि मैं अपनी उलझनों में अभी बहुत ज़्यादा लगी हुई हूँ और ये ब्लॉग भी अब थोड़ा सा वो हो गया, मैंने शूट वूट कर लिया था सब चीज़ें, लेकिन मैंने कहा चलो शेयर करूँगी। तो कल मेरा कल आया था ब्लॉग, आई थिंक कल, पता नहीं परसों, एक दिन मिस हुआ है, कल तो शायद आया था। हाँ खैर बहरहाल जो भी है, तो हाँ आप ही सबको मतलब बिलेटेड हैप्पी दिवाली, तब मैं नहीं कर पाई थी। तो बस यहाँ पर अनु फिर एक नाकाम कोशिश कर रही है चरकरी चलाने की, और सब पूरी पब्लिक रेडी है अप्पी, और यहाँ मिनाज ने एक्साइटमेंट में अप्पी के कंधे पे हाथ रख दिया और अप्पी ने मिनाज को मारा। ये देखो ये कैसे हमारे मतलब पैसों का जुलूस निकल रहा है, और ये फुलझड़ी पूरी तरीके से चल नहीं पा रही, और यहाँ पर लोग आ जा भी रहे थे क्योंकि भैया देखो सबका फेस्टिवल है, सब लोग अपना अपना इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये अनु अब लाई थी मतलब सारे इकट्ठे ले आई थी, तो ये है फुलझड़ी, तो यहाँ पर सब बच्चों को दी जाएगी फुलझड़ी। तो मैं जिन लोगों का नाम नहीं पता उन सबको बता रही हूँ कि क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को चाहिए भी होते हैं और ये डर भी लगता है। ये देखो अब अनु दे रही है तो वो घबरा रहे हैं सारे बच्चे, और फिर धीरे धीरे खैर सबका डर खुलेगा और सभी चलाएंगे फुलझड़ी भी। तो खैर हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मायके में, और अब कुछ ही दिन बचे हैं मायके में, मायके से जाने की भी तैयारी है। हाँ मुझे मायके के जाने से याद आया, किसी ने कमेंट किया था कि आप कब तक मायके में पड़ी रहोगी, जाओ अपना घर देखो घर संभालो। भाई 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 मैं क्या ही बोलूँ क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आता, शायद वो व्लॉग नहीं देखते या शायद वो सीने में दिल नहीं रखते, या दिल है तो शायद पता नहीं खून नहीं है, खून है तो शायद सफ़ेद है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। भाई मैं कोई शौक या मौज में नहीं आई हूँ, मेरी माँ बीमार है मैं उसमें आई हूँ, और हालांकि मेरे बच्चों की पढ़ाई का इतना नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी मेरी माँ बीमार है, ठीक है। तो माँ बहुत प्रेशियस होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो इस वजह से अनु की भी बेटी की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर हैं ताकि मम्मी थोड़ी स्टेबल हो जाएँ, और तब क्या कहते हैं जब तक वो स्टेबल नहीं हो रही तब तक हम यहाँ पर हैं। खैर बहरहाल इन चीज़ों को भी अब ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है, क्योंकि पिछले महीने 12 तारीख को मैं आई थी, 11 को अनु आ गई थी, तो आज तो ऑलमोस्ट 3 तारीख हो गई है। तो बस जी जब हमें जाना होगा चले जाएंगे, अभी माशाल्लाह हमारा मायका है, हमारे माँ बाप सलामत है, अल्लाह इन्हें हमेशा सलामत रखे और इनकी हर परेशानी हर बीमारी हर मुसीबत को दूर करे और सब कुछ अच्छा हो जाए। तो बस बेटियों को क्या चाहिए होता है, बेटियाँ रहती तो भले ही ससुराल में हैं, रचती बसती ससुराल में है, ज़िंदगी ससुराल में कटती है, लेकिन वो जो दिल होता है ना, दिल पूरे शरीर का, शरीर पूरा ससुराल में रहता है लेकिन जो दिल होता है वो मायकों में ही छोड़ आती हैं और अपने माँ बाप के अंदर। बस हमारा भी मायके में पड़ा है और अपने माँ बाप के अंदर, तो बस वो वाली चीज़ होती है, पीछे से अगर मायका आबाद होता है, रचा बसा घर होता है तो उतनी फिक्र नहीं होती, ऐसा होता है कि चलो माँ बाप को देखने के लिए कोई है, लेकिन अभी ऐसा है कि कोई नहीं है, तो बस इस वजह से और ज़्यादा उनकी फिक्र होती है। लेकिन खैर अल्लाह है, कोई हो ना हो, इंसानों से क्या है, इंसानों का तो कोई भरोसा ही नहीं होता, आते जाते रहते हैं लोग और साथ नहीं निभाते हैं लोग, तो खैर इंसानों से तो मेरा मतलब वैसे ही यकीन उठ चुका है, अल्लाह जिसके साथ है उसके साथ मतलब उसे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बस अल्लाह का साथ होना चाहिए और इंसान को मोहताज भी नहीं होना चाहिए इंसानों का। खैर बहरहाल आगे आप लोग इन्जॉय कीजिए, मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।